हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे और सभी आप सभी बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी दिवाली को सेलिब्रेट किया होगा। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं उन सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। बट इस टॉपिक को मैं इस ढंग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो एनडीए सीडीएस के लेवल को कंप्लीट करेगा। और यदि आप हायर लेवल की चीजों को पढ़ लेते हो तो आप लोअर लेवल के एग्जाम को तो बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बट यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसी वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हूं, ठीक है भाई। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं अपने इस टॉपिक की। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? तो हमारे टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम सरल लोलक। अब ये सिंपल पेंडुलम किसका एग्जाम्पल होता है, ये सरल लोलक क्या होता है, इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, हम तमाम क्वेश्चनों को आज अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे पूरी वीडियो में बने रहना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना वरना बहुत चीजें ऐसी होगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी, फिर आप क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए, बट स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आप सभी बच्चों को सुनाना चाहूंगा कि उंगलियां बहुत उठेगी जब भी तू कदम बढ़ाएगा, उंगलियां बहुत उठेगी जब भी तू कदम बढ़ाएगा, मगर आखिर में ए मुसाफिर तू मेहनत के दम पर ही जीत जाएगा। तो आपको कड़ी मेहनत करनी है क्योंकि बिना मेहनत के सफलता आपको कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपका भाग्य उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि हर सौ और हजार लोगों में से कुछ लोगों का भाग्य ऐसा होता है कि पहली ही बार में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, बट जो पहली बार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समझ जाना उनको उनकी मेहनत ही वहां पर पहुंचा सकती है। तो मैं इस मेहनत को आपके चार चांद लगाने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं जिसे पूरा सभी बच्चे जरूर देखें। चले भाई, तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है दोस्तों? टॉपिक का नाम है हमारा सिंपल पेंडुलम। जैसा कि आप सभी बच्चे यहां पर देख भी रहे होंगे, टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम। तो आज हम सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। और इस सिंपल पेंडुलम की यदि मैं बात करूं तो इस सिंपल पेंडुलम से याद रखना, यदि आप एनडीए और सीडीएस की बात करते हो तो फिजिक्स में आपके दो क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाते हैं। एनडीए में, सीडीएस में, आर्मी में या एसएससी में भी कुछ सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का आपके प्रिय चैनल साइंस ब्रेंड रोहित कुमार पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ठीक है। तो चले भाई, जल्दी से फटाफट सही बच्चे जुड़ जाइए। और ये लो, सबसे पहला पॉइंट हम आज जो क्लियर करने वाले हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्चुअली में जो सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, फिर हम उसके एप्लीकेशन को क्लियर करेंगे। तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ध्यान से देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SHM। SHM इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवार्ड्स द मीन पोजिशन। कहने का मतलब है कि भौतिकी में सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होती है। मतलब कहने के यह है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया जाएगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यह सरल आवर्त गति का बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। अब यह होता क्या है, तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसका मैं एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को, जैसे स्प्रिंग बैलेंस तो आप सभी लोगों ने पढ़ाई होगा, स्प्रिंग बैलेंस आप लोगों ने पढ़ाई होगा। किसी भी स्प्रिंग का एक किनारा पकड़ के यदि आप इसको अपनी तरफ खींचते हो, यदि आप इसको कहां अपनी तरफ खींच रहे हो, तो ध्यान से देखो जैसे आप इसको अपनी तरफ खींचते हो तो जैसे आप उसके ऊपर अप्लाइड किया गया फोर्स, जैसे फोर्स हटाते हो तो वापिस वो उसके इस डायरेक्शन में चले जाता है। कहने का मतलब यह है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। तो यहां पर एफ जो होता है वो हमेशा के और ये एक्स के बराबर होता है। एक्स क्या है,
तो एक्स हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो क्या है बच्चे डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को कहां तक आपने डिस्प्लेस किया है। बट यहां पर हम लगाते हैं माइनस, क्योंकि फोर्स और मोशन जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर जो हमारा के है इसको बोला जाता है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के नाम से हम इसे जानते हैं, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। अब कई बार एनडीए वाले और सीडीएस वाले कान खोलकर सुने, इस स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन आपसे पूछेगा, तो चलिए हम देखते हैं इसकी डायमेंशन, इसकी वीमाएं क्या होती है, इसकी वीमाओं को कैलकुलेट करते हैं। सभी को पता है कि डायमेंशन एमएलटी के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, एमएलटी के ऊपर, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हमें यहां निकालना है के की डायमेंशन, तो के इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में आ जाएगा एक्स, फोर्स की डायमेंशन होती है एमएलटी माइनस टू। और याद रखना एक बात दोस्तों, नीचे जो है हमारे पास एक्स, एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की डायमेंशन को किसके ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, एल के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे। तो एल का ये वन है और एल का एम एल टी माइनस टू, तो इस एल वन से ये एल हमारा कैंसिल आउट हो गया और के की जो डायमेंशन निकल कर आ जाएगी वो एम टी माइनस टू। क्या निकल कर आ गई, एम टी माइनस टू इसकी वीमाई निकल कर आ गई फोर्स कांस्टेंट की, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे, बट हमारा मेन बेसिक जो टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे सिंपल पेंडुलम की तरफ बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम है क्या। तो अब याद रखना, अ सिंपल पेंडुलम कैन बी डिस्क्राइब एज डिवाइस वेयर इट्स पॉइंट मास इज अटैच्ड टू अ लाइट इन एक्सटेंसिव स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। ये कहता है कि जब एक द्रव्यमान रहित, वैसे द्रव्यमान रहित तो कोई चीज हमारे आसपास में है ही नहीं, बट हम मानते हैं कि जिसका मास सबसे कम सबसे लेस होगा दैट इज कॉल्ड मासलेस, हम उसे मान सकते हैं। जिसका एक सिरा एक दृढ़ आधार से बंधा होता है और दूसरे सिरे पर एक बिंदु द्रव्यमान को लटका दिया जाता है, जिस प्रकार से व्यवस्था को सरल लोलक कहते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था को सरल लोलक कहते हैं। सिंपल सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लो कि ये सिंपल सा एक कोई एक सरफेस है, इस सरफेस से आपने एक रस्सी ली और इस रस्सी में गेंद बांध दिया, इस रस्सी में आपने क्या कर दिया, गेंद बांध दिया, इसका मास m, इसमें मास लेस हमने इसको माना है। अब जैसे आप इसको एक फोर्स लगाते हो तो ये इस पॉइंट पर आती है और यहां पर ये आएगा, तो यहां से ये इसका ये पॉइंट बन गया, और जैसे आप इसको छोड़ोगे तो ये एक इस मीन पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट है और ये इसका मीन पॉइंट है, ऐसा इसके अंदर हो रहा है। अब ऐसा होने के लिए इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, डबल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को किन किन कंडीशन पर इंक्रीज और किन किन कंडीशन पर डिक्रीज किया जा सकता है, इन सभी चीजों से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी सिंपल सी एक डेरिवेशन देखेंगे हम, ताकि कोई भी चीज हम लोगों से ना छूट पाए, ठीक है दोस्तों। बट यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करना भाई, और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलना अपने दोस्तों, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, ये कुछ सिंपल पेंडुलम का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे ही मैंने रिजिड सपोर्ट का एग्जाम्पल दिया था, इस रिजिड सपोर्ट से मैंने एक रस्सी बांधी है जिसको लॉन्ग थ्रेड बोलेंगे, मतलब धागे की लंबाई, और ये नीचे हमारा मासलेस, मासलेस का मतलब द्रव्यमान रहित, ये मेटल कोई बॉब है, दैट इज कॉल्ड बॉब, इसको हम बोलते हैं बॉब। अब यहां पर ध्यान से देख लो आप सभी लोग, ये है सिंपल पेंडुलम का एक बेसिक एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम का ये है एक बेसिक एग्जाम्पल। इस सिंपल पेंडुलम के आधार पर अब कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, उसे ध्यान से आप सभी बच्चों को समझना है कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, जो एनडीए और सीडीएस के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये हमने मेनली इसके अंदर एक धागा लटका दिया, जिस धागे की लंबाई स्ट्रिंग, जिसे बोलेंगे स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसकी लंबाई को हमने माना एल। अब जब ये धागा, इसको बोलेंगे मीन पोजिशन, इसको क्या बोला जाता है,
मीन पोजीशन, या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था भी हम इसको बोलते हैं। तो अब यहां पर आप लोगों को देखना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इस बॉब के ऊपर तक के उठने का। तो ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हमने थीटा से डिफाइन किया है, जिसको हमने किससे डिफाइन किया, थीटा से। अब ये जो स्ट्रिंग नजर आ रही है, इस स्ट्रिंग में नीचे की तरफ हमने एक बॉब लटकाया हुआ है जिस बॉब का मास एम माना है और नीचे से इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, तो ये इसका वेट के बराबर हो जाएगा जिसे हम mg मानेंगे। और हमें पता है कि किसी भी वेट को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए अपवार्ड उसके ऊपर की ओर एक टेंशन फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक टेंशन फोर्स लगता है अपवार्ड ऊपर की ओर, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे t से। तो हर फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक अफेक्टेड फोर्स लगता है, जिसे हम यहां टेंशन फोर्स, तनाव बल बोलेंगे, जो रस्सियों में टेंशन हो जाते हैं। जैसे किसी, टेंशन का मतलब होता है तनाव। यदि कोई सी रस्सी को आप लटकाओगे कहीं भी तो वो रस्सी नहीं तनी मिलेगी, लेकिन उस रस्सी में यदि किसी भी मास को लटका दिया जाए तो रस्सी बिल्कुल तनी हुई मिलेगी, यानी रस्सियों में टेंशन आ जाएगा। तो ये टेंशन जो होता है इस वेट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक इसी तरीके से दो यहां पर कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे, एक mg sin थीटा, और mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए, mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए यहां पर आ जाएगा mg cos थीटा। क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। तो ये दोनों के दोनों यहां पर इसके याद रखना, एक mg sin थीटा और mg cos थीटा, ये भी एक दूसरे को बैलेंस करने वाले फोर्स के रूप में यहां यूज किए गए हैं। तो अब इन्हीं चीजों को मैं यूज करूंगा किसी भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। इसका टाइम पीरियड कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किन किन फैक्टर पर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, और किन किन फैक्टर पर किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होगा। और अब एक जरा सी भी चूक मत करना, वरना चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगा, क्योंकि एक छोटी सी भी चीज यदि आप छूट गए तो बहुत बड़ी आप गलती करोगे। क्योंकि आपको पता है कि एक चिड़िया से पूछा कि कैसे बनता है घोंसला, एक चिड़िया से पूछा कैसे बनता है घोंसला, तो वह चिड़िया बोली तिनका तिनका उठाना होता है और उस तिनके तिनके को जोड़ जोड़ कर एक घोंसले को बनाया जाता है। मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको तिनके तिनके का सहारा लेना है, तिनका ही आपका एक सहारा है। और एक छोटी सी बात यदि छूट गई तो बहुत बड़ी इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम सिंपल पेंडुलम का एक डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, ध्यान से इसको सभी लोग सीखेंगे। तो सबसे सिंपल पेंडुलम के ऊपर एक अपवार्ड डायरेक्शन में लगता है टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स, जिसको बोलते हैं तनाव बल। ठीक है, और एक टेंशन फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। और ये टेंशन फोर्स कितना लगेगा? उतना ही टेंशन होगा जितना कि उसका वेट है, जितना कि उसका वेट है, और वो वेट उसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ध्यान से देखो, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि वेट को बैलेंस करने के लिए नीचे वाले डायरेक्शन में हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है, जिस फोर्स को हमने बोल दिया mg cos थीटा, जो इसका कंपोनेंट है। mg cos थीटा इसका क्या है? एक कंपोनेंट है जो आप लोगों को याद रख लेना है। तो चलिए भाई अब यहां पर हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं। mg cos थीटा, तो टेंशन फोर्स जो होगा वो हमारा mg cos थीटा के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको पता है कि जब भी किसी सिंपल पेंडुलम को आप ऊपर की ओर उठाओगे
उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाओगे, और जैसे आप छोड़ोगे तो मीन पोजीशन पर आना चाहेगा। तो मीन पोजीशन पर आने के लिए उसके अंदर एक फोर्स एग्जर्ट होता है जिसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, अब ये रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉब, बॉब के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉब, बॉब के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा? तो मैंने बताया जो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होता है वो इसका रीस्टोरिंग फोर्स है, बट ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसको इसका अपोजिट कंपोनेंट होगा। तो एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या था? एम जी कॉस थीटा के कंपोनेंट का नाम क्या है? तो एम जी कॉस थीटा के कंपोनेंट का नाम है एम जी साइन थीटा। एम जी क्या है? साइन थीटा। बट ये नेगेटिव में होगा, क्यों? क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। मैंने बताया रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो बॉडी के मोशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं आपको बताता हूं कि मीन पोजिशन और एक्सट्रीम पोजिशन के बीच में जो एंगल बना था, जिसको हमने बोला था थीटा, तो ये साइन थीटा को हम यहां एज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं किसके बराबर? ओनली थीटा के बराबर। क्यों? दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। इतना छोटा कण कौन होता है कि जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और केवल थीटा मान लेते हैं। तो अब हमारा ऑब्वियसली हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस का एम जी, और ये आ गया केवल थीटा। एम जी ये आ गया हमारा केवल क्या गया? थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? दो। इसे हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं दो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट के ऊपर कि थीटा, ध्यान से देखो यहां पर, फिर मैं ले चलता हूं आपको पिछले वाले पॉइंट के ऊपर कि ध्यान से देखो कि ये हमारा यहां से यहां तक जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है दोस्तों? ये इसका डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और ये धागे की लंबाई है जो इसका हो गया रेडियस, जो इसका क्या हो चुका है? रेडियस। जो इसका क्या हो चुका है? रेडियस। रेडियस को आप बोलोगे एल, और एक्स को आप बोलोगे इसका एल, एल का मतलब लेंथ। तो आपको पता है कि जब हम आर्क की बात करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, और वहां से यदि हमें थीटा निकालना होता है तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। एल का मतलब क्या है दोस्तों? तो एल का मतलब है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां से ध्यान से देखो मुझे निकालना है क्या, यहां पर मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह पे क्या रख दो? ध्यान से देखो, थीटा इज इक्वल टू यहाँ एल, एल का मतलब लेंथ, लेंथ इसका कितना है? लेंथ इसका एक्स, और आर, आर की जगह पे क्या रखना है मुझे? एल रखना है। तो ये हमारा ऑब्वियसली आ गया थीटा इज इक्वल टू एक्स अपोन में एल, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपोन में एल। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर रहे हैं, ठीक है? थीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एल, ठीक है दोस्तों? ये लो एक्स अपॉन में एल। तो यहां से हमारा हो गया एफ इज इक्वल टू माइनस का एम जी, और थीटा की जगह पे आ गया एक्स अपॉन में एल। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास? थर्ड। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन के बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास एक होता है कि फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट जो मैंने आप सभी को बताया है, जो एसएचएम में लगता है, इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स एसएचएम में लगता है वो कितना लगता है? तो वो आप सभी लोगों को होता है माइनस का के एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर मान लिया चार। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर थ्री, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ, इन दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं। तो दोनों का एलएचएस सेम है, एफ एफ, तो आरएचएस भी दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। तो माइनस का के एक्स इज इक्वल टू एम जी, और इधर हमारे पास क्या निकल कर आए दोस्तों? एम जी एक्स अपोन में एल। अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें, इस एक्स से ये एक्स तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा,
माइनस से माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, के इज इक्वल टू एम जी अपॉन में क्या निकल कर आया, एम जी अपॉन में एल। के इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, एम जी अपॉन में एल, जो हमारा क्या है, ये हमारा स्प्रिंग फैक्टर निकल कर आया है। दिस इज द स्प्रिंग फैक्टर, इसे हम स्प्रिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, स्प्रिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अब जब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, जब हम किसकी बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम के, जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, किसकी, टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टू पाई। टाइम पीरियड का मतलब एक रिवॉल्यूशन। देखो भाई, टाइम पीरियड कितना टाइम पीरियड को हम बोलेंगे वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसको टाइम पीरियड मतलब, देखो एक बार यहां से यहां जा करके और एक बार यहां से यहां वापिस आने में जितना इसको टाइम लगा है उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन को हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वन ऑसिलेशन में आपको पता है एक साइकिल बना, साइकिल का मतलब टू पाई, और टू पाई के साथ आ जाएगा न्यू, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब यहां पर हो जाता है, यहां पर हो जाता है क्या, तो आपको ये याद रख लेना है, इनर्सिया फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर, इनर्सिया फैक्टर हम लेते हैं यहां पर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। चलिए, तो टी इज इक्वल टू टू पाई, इनर्सिया फैक्टर हमारा कितना होता है मास, अपॉन में नीचे स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर कितना होता है हमारा एम जी, देखो यहां पर स्प्रिंग फैक्टर निकाला है, अपॉन में एल, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो टी इज इक्वल टू टू पाई, अभी आ गया एल अपॉन चला गया और जी नीचे आ गया, तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला बन गया टी पाई, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन में जी, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन में जी, ये हमारा बेसिकली क्या बन चुका है, फार्मूला बन चुका है। तो मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन में जी। अब आप लोगों को मैं बता दूं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, ठीक है। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर ध्यान से दोस्तों, ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है, जो आपसे एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड केवल उन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा जो इस फार्मूले के अंदर दिखाई दे रहा है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फर्स्ट डिपेंड ऑन एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो पहला डिपेंड करेगा ये एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की लंबाई, और दूसरा ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो याद रख लेना एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण, इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट किस पर होगा ये, तो ये रखना मास ऑफ बॉब, बॉब की द्रव्यमान पर। कहोगे सर ऐसा क्यों माना है, तो इसलिए क्योंकि इस सिंपल पेंडुलम में जो हमने मास लिया है ना, जो बॉब लिया है वो मासलेस, इसलिए दिस इज द इंडिपेंडेंट। इसका कहने का मतलब यह है, किसी सिंपल पेंडुलम के ऊपर चाहे एक किलोग्राम, चाहे दो किलोग्राम, चाहे दस किलोग्राम, चाहे बीस किलोग्राम के को क्यों ना वस्तु को रख दो, उसके टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमारा बात ये कहता है। तो इतनी बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम एक एक करके इनके कुछ जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे
उसको एक एक करके चलिए अब हम समझते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, कुछ नोट्स आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ स्पेशल। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है वो ये याद रखना है कि टी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा वो 1 सेकेंड के लिए होगा। दूसरा टाइम पीरियड फॉर डबल पेंडुलम, डबल पेंडुलम का जो आवर्तकाल होगा वो 2 सेकेंड का होगा अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, गैलीलियो के अनुसार, ठीक है भाई। इतनी बातें आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यदि किसी सिंपल पेंडुलम के धागे की लंबाई उतना बड़ा हो जाए जितना अर्थ का रेडियस हो तो फिर उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ ऑफ रेडियस लेंथ इज हुज लेंथ इज रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर, तब उसका टाइम पीरियड क्या होगा इज इक्वल टू 84.6 मिनट्स। यदि किसी सरल लोलक के धागे की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो तब उसका आवर्तकाल चौरासी दशमलव छह मिनट का हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब इसके बाद कुछ और फैक्टर की स्पेशल फैक्टर पर जो स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों इस एग्जाम में उसके ब्याह पर अब कुछ चीजें अब हम सीखने को चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना, नोट्स में लिखवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि मान लो कि ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन है और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यदि मैं पूछूं तो जो मीन पोजीशन है इस मीन पोजीशन पर याद रखना इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो होती है। बट जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी वो जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। सेम दिस इज अगेन द एक्सट्रीम पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। इट मींस कहने का मतलब ये है कि
किसी भी सिंपल पेंडुलम की टोटल जो एनर्जी होती है, ठीक है, किसी भी सिंपल पेंडुलम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? तो बोलना सर, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस में द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मतलब यह कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो सिंपल पेंडुलम में हर एक पॉइंट पर एक बराबर होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सदैव एक बराबर है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इतनी बात आप सभी लोगों को याद रखना। तो एक्सट्रीम पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम बट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, एंड मीन पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। इतनी बातें आपको याद रख लेना है। अब अगले पॉइंट, यदि मैं अगला पॉइंट आप लोगों को बताऊं तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से बनेगा वो ये बनेगा। सबसे पहला पॉइंट, यदि किसी भी कंडीशन में किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यदि बढ़ जाए, टाइम पीरियड यदि बढ़ जाता है किसी भी सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड बढ़ जाए तो वह घड़ियां स्लो हो जाएगी। टाइम पीरियड घट जाए तो घड़ियों की जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट जो होगी वो कैसी हो जाएगी? स्लो। स्लो का मतलब सुस्त पड़ जाएगी। लेकिन यदि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किसी कारणवश डिक्रीज हो जाए तब याद रखना उस सिंपल पेंडुलम की जो मूवमेंट होगी वो हो जाएगी फास्ट, मतलब तेज गति से वो गति करने लगेगा। अब किन किन कंडीशन पर उसका टाइम पीरियड ज्यादा और किन किन कंडीशन पर उसका टाइम पीरियड कम होगा? तो या तो वो एल के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर वो जी के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं तो ये मैं पूछूं कि यदि हम बात करें किसी हिल स्टेशन पर, यदि हम बात करें एट हिल स्टेशन, यदि हम किसी हिल स्टेशन की बात करते हैं तो हिल स्टेशन पर जो जी का मान है दोस्तों वो हो जाता है कम, और यदि हिल स्टेशन पर जी का मान हो गया कम तो जो आपको फार्मूला बताया टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन में जी, जी का मान जितना कम टी का मान उतना ज्यादा, तो यहां पर टाइम पीरियड हो जाएगा अधिक, और टाइम पीरियड अधिक होने का मतलब उन घड़ियों की मूवमेंट कैसी हो जाएगी? स्लो। नंबर तीन पॉइंट में आपको बताता हूं कि जैसे यदि मैं अर्थ के सेंटर पर ले जाऊं, अर्थ के सेंटर पर ले जाऊं या मैं किसी सैटेलाइट के अंदर ले जाऊं, तो आप लोगों को पता है कि ये वो दो पोजीशन है जहां पर जी का मान कितना हो जाता है? जीरो। और हमें फार्मूला दिया गया टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन में जी, बट यदि जी का मान कितना रख दिया जाए? जीरो, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो किसी भी सिंपल पेंडुलम को यदि उन स्थानों पर ले जाया जाए जिन स्थानों की ग्रेविटी होती है जीरो, तो याद रखना दोस्तों उन स्थानों पर किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाता है। इतनी बात की उम्मीद आप सभी लोग जरूर रखना। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट मैं बताता हूं आप लोगों को। अगला पॉइंट यह है कि यदि किसी सिंपल पेंडुलम को यदि मून पर ले जाए, अगला पॉइंट हमारा ये कहता है एट मून, मून के ऊपर किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा? तो नॉर्मली हम लोगों को पता है कि जो मून की ग्रेविटी है, किसकी? द ग्रेविटी एट मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी एट अर्थ। मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का लगभग 1/6, 1/6 का मतलब वहां 6 गुना कम, और यदि वहां 6 गुना कम होगा तो याद रखना टाइम पीरियड उसका रूट सिक्स टाइम्स इंक्रीज होगा। कहोगे सर क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट जी के। तो याद रखना वहां की ग्रेविटी कितनी है? 6 गुना कम, तो यहाँ की ग्रेविटी रूट 6 गुना ज्यादा हो जाएगी। याद रखना कहाँ पर? मून पर। तो मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम, तो मून के ऊपर टाइम पीरियड जो होगा वो अर्थ पे टाइम पीरियड से रूट 6 गुना
ज्यादा, रूट छह गुना अधिक। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक स्पेशल फैक्टर की मैं बात करता हूं, जो किसी मेटल वायर के लिए लागू होता है। किसी सिंपल पेंडुलम में यदि हम मेटल के वायर का यूज करते हैं, किसका, मेटल के वायर का यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि मेटल के वायर के अंदर एक थर्मल एक्सपेंशन की क्षमता होती है, ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार की क्षमता होती है, जिसके कारण गर्मियों के दिनों में, समर में जो एल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और विंटर में जो एल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ये ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि समर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और विंटर का टेम्परेचर कम होता है। तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने से उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन की क्षमता होती है। तो आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में यदि उसकी लंबाई बढ़ी तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। सर्दियों और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। लेकिन सर्दियों के दिनों में यदि उसका टाइम पीरियड, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम, और लंबाई कम तो टाइम पीरियड उसका घटेगा, और टाइम पीरियड घटेगा तो घड़ियों की मूवमेंट जो हो जाएगी वो फास्ट, यानी वो तेज गति से कंपन करने लगेगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सब चीजों को समझा होगा। पूरी वीडियो को जरूर देखना बच्चे, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं क्योंकि मैं वही पॉइंट समझाता हूं जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। ठीक है, तो मिलते हैं सभी लोगों से एक बार फिर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।